वन इलेक्शन वन नेशन करना देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत में हमारे समझ से ये चुनाव होगा ही नहीं, इसमें बहुत से लोग को पता ही नहीं चलेगा कि बैलेट पेपर में किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, कौन मुखिया का बैलेट पेपर है, कौन सरपंच का है, कौन एमपी का है, कौन एमएलए का है, कौन राज्यसभा का है। जनता का जो टैक्स का कमाई है वो बार बार चुनाव कराने में खर्चा होते रहता है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन अगर फेयर रूप में किया जाता है तब तो सबसे बढ़िया है और जनता को फायदा होगा कि उसका गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा जो है बर्बाद नहीं होगा। बीजेपी तो लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहती है। पिछले बार जो वकीलों ने जंतर मंतर पर आवाज उठाया कि ईवीएम को हटा दीजिए और बैलेट पेपर से करा लीजिए, तो अगर आपका समर्थन है आपको और आप जन समर्थन अपार अगर आपका है तो फिर डरते क्यों हैं? दुनिया के सभी देशों से ईवीएम से चुनाव बंद हो गया, ये भारत सिर्फ है जहां जबरदस्ती जो है ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। इनसे जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से कितना फायदा होगा जनता को और इसके क्या नुकसान है, सब इनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर वन नेशन वन इलेक्शन कितना फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? देखिए इससे कुछ फायदा भी है और इससे बहुत घाटा भी हो सकता है। सर पहले फायदा ये बतला देते हैं कि चुनाव कराने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पूरे देश में और आप देखे होंगे कि टाइम पर चुनाव नहीं होता है तो कहीं अभी भी 4-5 राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी जो है लोकसभा का चुनाव होता है, कभी मध्यावधि चुनाव हो जाता है, कभी कोई मर गया विधायक या एमपी तब चुनाव हो जाता है। तो अगर वन नेशन और वन इलेक्शन का फॉर्मूला अगर अपनाया जाए तो इसमें जनता को ये फायदा होगा कि एक ही बार में पार्लियामेंट का और असेंबली का दोनों का चुनाव हो जाएगा, पंचायती चुनाव भी सब साथ, और अगर पंचायती चुनाव को भी उसमें इंसर्ट कर लिया जाए तो देखिए भारत में बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र कहीं नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े लोकतंत्र को एक बार में चुनाव करा लेना तो थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन अगर सही ढंग से होता है तो ये जनता के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जनता का जो टैक्स का कमाई है वो बार बार चुनाव कराने में खर्चा होते रहता है, कभी पार्लियामेंट का होगा, कभी असेंबली का होगा, कभी पंचायत का होगा, कभी उपचुनाव होगा, कभी जो है मर गया कोई सांसद तब होता है, कभी जो है किसी का रद्द हो गया सदस्यता तब चुनाव होता है, यानी कि सालों भर कुछ न कुछ चुनाव होते रहते हैं और जनता की गाढ़ी टैक्स की जो कमाई है वो उसमें खर्च होते रहते हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन अगर फेयर रूप में किया जाता है तब तो सबसे बढ़िया है और जनता को फायदा होगा कि उसका गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा जो है बर्बाद नहीं होगा। फेयर रूप से मतलब इस पे भी कुछ गलत, हाँ लेकिन इसका मिसयूज होगा ना। मिसयूज ये होगा कि आपके पास एक बार में पूरे देश में पंचायती चुनाव और पार्लियामेंट का और असेंबली का सब कराने में आपकी जनता शिक्षित नहीं है, यहाँ पर भारत की जनता उतना शिक्षित नहीं है कि वो बैलेट में चुन चुन करके ये खोज ले कि हाँ ये सरपंच साहब का चुनाव का है, ये जो है मुखिया जी का है, ये एमएलए का है और ये एमपी साहब का है, तो ये खोजना बड़ा आसान काम नहीं है, एक ही बैलेट पेपर में सब रहेगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक ही बैलेट पेपर में हर पंचायत के सरपंच का भी नाम रहेगा, मुखिया जी का भी नाम रहेगा, उसके बाद जो है आप देखिएगा एमएलए साहब का भी बैलेट लिस्ट में रहेगा और उसके बाद एमपी का भी रहेगा, राज्यसभा भी रहेगा और विधान परिषद भी रहेगा। तो यहाँ की जनता इतना शिक्षित नहीं है कि पढ़ करके सबको समझ ले और बैलेट पेपर में सबको अलग अलग अपना वोट दे सके, इसलिए यहाँ ये जो प्रैक्टिकल सही नहीं होगा, ये कराना भारत में हमारे समझ से ये चुनाव होगा ही नहीं, इसमें बहुत से लोग को पता ही नहीं चलेगा कि बैलेट पेपर में किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, कौन मुखिया का बैलेट पेपर है, कौन सरपंच का है, कौन एमपी का है, कौन एमएलए का है, कौन राज्यसभा का है, कौन विधान परिषद का है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आपकी जनता शिक्षित नहीं है। इसलिए हमारे समझ से एक बैग एक साथ वन इलेक्शन वन नेशन करना
देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोग सही तरीके से वोट नहीं कर पाएंगे तो सही प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा तो वो देश के लिए खतरनाक हो जाएगा। इसलिए इसको आप ट्रायल के रूप पर पहले जो है एक जिला में शुरू करिए, फिर एक स्टेट में करिए, अगर सक्सेस होता है तो धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाना चाहिए। भाजपा के घोषणा पत्र में भी था सर, वन नेशन वन इलेक्शन, कहा जा रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल में इसे पूरा कर दिया जाएगा। हाँ तो देखिए, ये तो निश्चित है कि बीजेपी तो लोकतंत्र को भी ख़त्म करना चाहती है। जैसे पिछले बार जो वकीलों ने जंतर मंतर पर आवाज़ उठाया कि ईवीएम को हटा दीजिए और बैलेट पेपर से करा लीजिए, तो अगर आपका समर्थन है आपको और आप जन समर्थन अपार अगर आपका है तो फिर डरते क्यों हैं? अगर जनता की मांग है कि ईवीएम हटा करके और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो अगर आप बहुमत में हैं तो एकदम खुलेआम कर देना चाहिए कि चलिए ठीक है, पब्लिक का डिमांड है तो हम कर दिए। तो वो जानते हैं कि ईवीएम में मैनेजमेंट हो सकता है, पूरे दुनिया के सभी देशों से ईवीएम से चुनाव बंद हो गया, ये भारत सिर्फ है जहां ज़बरदस्ती जो है ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। क्योंकि ईवीएम में हैकिंग का आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी हो गया कि आप जमीन पर से चांद पर अगर आप उतार रहे हैं, यान उतार रहे हैं अगर आप रॉकेट, तो वहाँ भी यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ईवीएम का कंट्रोलिंग नहीं हो सकता है क्या? और ये होता है, इसीलिए देखिए इसमें अभी जो नरेंद्र मोदी चुन करके आए हैं उसमें 7 एजेंसियां काम कर रही थी। कौन कौन? चुनाव आयोग लगा हुआ था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा हुआ था, CBI लगा हुआ था, पूरा देश का नेशनल मीडिया लगा हुआ था, और अंत में आपने देखा होगा चुनाव आयोग भी लग गया उसको, उसमें अंत में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि VVPAT का पर्ची गिनवा लीजिए कम से कम, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कह दिया कि नहीं नहीं वो भी गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 एजेंसियां मिल करके इनका जो घोषणा था अब की बार 400 पार, तो आ गया अब की बार 200 पार पर अटक गए। सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके घर पे भी जाते हैं। हाँ तो ये वही प्रमाणित हुआ ना। पहले जो आपने देखा कि ईवीएम से गिनती, ईवीएम में अगर VVPAT की गिनती हो जाती तो क्या आफत आ जाता, कौन सा जलजला या बाढ़ आ जाता, तूफान आ जाता, भूकंप आ जाता। अगर वो VVPAT वाला पर्ची अगर गिनती हो जाए वो ईवीएम वाला गिनती के साथ साथ, तो कोई भूकंप तो आता नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मोदी जी जब गए उनके घर में अनंत चतुर्दशी के पूजा में, गणेश जी के पूजा में चले गए, तो वही प्रमाणित हो गया कि ये बात पहले से भी था कि भाई हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। तो इस देश में अगर लोया जैसे जज पैदा हुए हैं जो मर गया लेकिन झुका नहीं, तो इस जज में रंजन गोगोई, इस देश में रंजन गोगोई जैसे भी लोग हैं जो फैसला देने के बाद राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। और इन्होंने तो और चीफ जस्टिस रहते ही मोदी के यहाँ जा कर के ये प्रमाणित कर दिया कि हम भी कुछ आशा में हैं, तो ये गलत हुआ है, ये देश की न्यायपालिका के लिए सही नहीं हुआ है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप बार बार कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी रहना चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहना चाहिए, और आप प्रधानमंत्री के यहाँ जा करके और पूजा करिएगा तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे बरकरार रहेगी भाई, प्रभाव में आ जाइएगा आप। तो इसलिए ये काम देश के लिए सही नहीं हुआ है, हम लोग इसको सही नहीं मानते हैं, भारतीय लोकतंत्र के लिए ये घातक है। आखिरी सवाल लेंगे, इससे पहले भी और कई देश है जहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन लागू है, जैसे कि अमेरिका हो गया, तो भारत में क्या चुनौतियाँ? तो यहाँ पर चुनौती यही है कि अमेरिका जैसे यहाँ शिक्षित लोग नहीं हैं, अगर शिक्षित लोग हो जाएं, हर लोग ग्रेजुएट हो जाए भारत में, तब फिर वन नेशन वन इलेक्शन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अपना देख लेगा, पढ़ लेगा ना कि हम सरपंच फलाना है तो उनको देना है, मुखिया फलाना है तो पढ़ लेगा वो बैलेट पेपर में या EVM मशीन में या प्रचार में जो उसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं बहुत से, अब भी 50% ऐसी महिलाएं हैं गांव में जिसको पढ़ने नहीं आता है, बैलेट पेपर पर नाम नहीं, वो सिर्फ सिंबल देख करके पहचानने की कोशिश करेगी, और इतना ज़्यादा जब एक ही साथ सिंबल हो जाएगा मुखिया का, सरपंच का, MP का, MLA का, राज्यसभा का, विधान परिषद का, तो उसको याद रहेगा क्या? इसलिए अशिक्षित देश में ये सफल नहीं होगा। अगर देश में 100% लिटरेसी हो जाए, शिक्षा हो जाए, तब कराइए तो बढ़िया होगा। तो पहले कोशिश करो कि देश में शिक्षा का सामान्यकरण हो जाए, हर व्यक्ति शिक्षित हो जाए, हर महिला
हर बच्चा बच्ची से लेकर के बूढ़ा बूढ़ी तक को शिक्षित अगर कर दीजिए, तब वन नेशन वन इलेक्शन कराओ, तब कोई दिक्कत नहीं है। लोग पहचान लेगा, बैलेट पेपर देख लेगा, समझ लेगा, पढ़ लेगा, और तब जाके सही डेमोक्रेसी बरकरार रहेगा। और नहीं तो अगर अभी करा दीजिएगा तो ये डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, वो सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं होगी। धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी थे। हमने इनसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत की। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।